मैं और मेरा दोस्त मिस्टर वसीम राज जी रिटायर्ड एजीएम, हम तकरीबन एक घंटे से यहाँ पर खड़े हैं सेवा केंद्र में बैठे हुए हैं, खड़े भी रहे काफी देर पहले, लेकिन जो विंडो पे आदमी है वो हमें कॉल नहीं कर रहा। हमने कई बार उसको रिक्वेस्ट की है लेकिन ऐसे लगता है कि वो एजेंटों को डील कर रहा है, बिल्कुल आम आदमी को इग्नोर कर रहा है। कभी वो कह रहा है कि 3 नंबर वाला नहीं दिया है, कभी कह रहा है कि 9 नंबर वाला नहीं है, लेकिन जो आदमी बैठे हुए हैं उनको अटेंड नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि जब 3 नंबर वाला आएगा और 9 नंबर वाला आएगा उसके बाद ही मैं आप लोगों को अटेंड करूँगा। तो दिस इज़ समथिंग वेरी बैड, इट इज़ वेरी रॉन्ग, इट इज़ रॉन्ग। जो आदमी अवेलेबल है उसको तो अटेंड तुम कर नहीं रहे, और जो बंदा अवेलेबल नहीं है उसका तुम इंतज़ार कर रहे हो। इसके अलावा वो बीच बीच में कुछ और लोग आ रहे हैं, मोस्ट प्रॉब्ली वो एजेंट है, उनको अटेंड कर रहा है, हमें वो अटेंड नहीं कर रहा। हमें कहता है यहाँ वहाँ बैठ जाइए आप जाके, मैं आपको आवाज़ लगाऊँगा, लेकिन उसने अभी तक हमें कोई आवाज़ नहीं लगाई। और मैं सेवा केंद्र या सुविधा केंद्र की अथॉरिटीज़ या डिप्टी कमिश्नर अमृतसर को रिक्वेस्ट करूँगा कि कृपया सेवा केंद्र या जो सुविधा केंद्र है इसकी वर्किंग को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। ठीक है, लोग बहुत ही हरास्त फील कर रहे हैं। ठीक है, वी आर वेटिंग फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम बट वी आर नॉट गेटिंग एनी कॉल फ्रॉम एनी साइड। दैट मीन्स अभी तक हमें विंडो नंबर 6 से कोई आवाज़ नहीं है। ठीक है, प्लीज़ देखिए, चेकअप कीजिए सिस्टम को, ये सिस्टम को ख़राब करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इससे पंजाब सरकार की बदनामी हो रही है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को मेरा नस डालने की ज़रूरत है। कृपया देखिए और सिस्टम को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए।